जय हिंद दोस्तों। दोस्तों अगर आप गन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें आपको गन लेने से लेकर इसके लाइसेंस लेने तक की पूरी जानकारी बताई जाएगी और गन के लाइसेंस से जुड़ी सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। आर्म लाइसेंस के नियमों के मुताबिक गन लाइसेंस जारी करने का अधिकार राज्य सरकारों के गृह मंत्रालय के पास होता है। अलग अलग राज्यों में DM यानी जिलाधिकारी, जिला कलेक्टर, कमिश्नर या इस रैंक के अन्य अधिकारी को लाइसेंस जारी करने का अधिकार होता है और हर राज्यों में आर्म लाइसेंस के नियमों में थोड़ा बदलाव रहता है। तो चलिए जानते हैं लाइसेंस बनता कैसे है। दोस्तों इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है, इसके लिए आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत होती है। बस अपना सपोर्ट दिखाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइज लेट्स बिगिन। दोस्तों यदि आप आर्म रखना चाहते हैं तो इसके लिए लाइसेंस लेना बहुत जरूरी होता है और बिना लाइसेंस के हथियार रखना एक कानूनी अपराध है। इसमें आपको जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। भारत में आर्म लाइसेंस लेने के लिए एक आम नागरिक की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तभी उस व्यक्ति को लाइसेंस मिल सकता है। आर्म एक्ट 1959 के तहत आत्मरक्षा के लिए जिला प्रशासन से कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति लाइसेंस लेकर हथियार खरीद सकता है। दोस्तों यदि आप पर किसी भी प्रकार का या कोई गंभीर आपराधिक मामला दर्ज है तो आपको लाइसेंस नहीं मिल सकता। गन लाइसेंस को हासिल करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ होना जरूरी होता है। साथ में लाइसेंस लेने के लिए सबसे बड़ी शर्त यह है कि आपको लाइसेंस लेने से पहले जिस वजह से आप लाइसेंस ले रहे हैं उसका कारण आपको बताना जरूरी होता है कि गन की आवश्यकता आपको क्यों है, किससे और क्यों जान का खतरा है। दोस्तों गन लाइसेंस जारी करने का अधिकार राज्य सरकारों के गृह मंत्रालय के पास होता है। अलग अलग राज्यों में DM यानी जिलाधिकारी, जिला कलेक्टर, कमिश्नर या इस रैंक के अन्य अधिकारी भी लाइसेंस जारी करते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में पुलिस थाना और लोकल इंफॉर्मेशन यूनिट का सबसे अहम रोल होता है। दोस्तों आर्म लाइसेंस हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको एक तय फॉर्मेट में आवेदन करना होता है। देश के कई राज्यों में इसे अब ऑनलाइन भी कर दिया गया है। दोस्तों ऑनलाइन गन लाइसेंस कैसे अप्लाई करते हैं इसके बारे में भी वीडियो बनाया गया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आर्म लाइसेंस लेने से पहले आवेदन करते वक्त आपको बताना होता है कि आप किस तरह का हथियार अपने लाइसेंस पर लेना चाहते हैं, जैसे कि पिस्टल, रिवॉल्वर जैसे छोटे हथियार या फिर राइफल, एक नाली या दो नाली जैसी बड़ी बंदूकें लेनी है। वो हथियार जो प्राइवेटेड बोर है उसका लाइसेंस आपको नहीं मिल सकता। प्राइवेटेड बोर के अंतर्गत आने वाले सभी हथियारों में 0.38 बोर, 9mm, 0.303 राइफल, AK-47 जैसे हथियार का लाइसेंस नहीं बनता है और ना तो इसे भारतीय नागरिक खरीद सकता है। आम सिविलियन सिर्फ नॉन प्राइवेटेड बोर के अंतर्गत आने वाले हथियार खरीद सकता है, जैसे 35 बोर, 32 बोर, 22 बोर और 380 बोर की हैंडगन जैसे हथियार आर्म लाइसेंस लेकर खरीद सकता है। दोस्तों अगर आप लाइसेंस का आवेदन करने जा रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि आवेदन प्रारूप के साथ साथ क्या क्या जरूरी दस्तावेज लगता है। आवेदन को DM या कमिश्नर ऑफिस के असलाह लाइसेंस विभाग में जमा करते समय उसके साथ आधार कार्ड, पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट, आयु प्रमाण पत्र जो कि 21 वर्ष से अधिक हो, चरित्र प्रमाण पत्र और 3 साल की ITR फाइल भी जमा करना होता है। दोस्तों लाइसेंस लेने के लिए आपको पहले जिलाधिकारी या फिर कमिश्नर के दफ्तर से लाइसेंस का एक फॉर्म लेना होता है, उसे अच्छी तरह से भर के और सभी प्रकार के दस्तावेज को लगाकर एप्लीकेशन जिलाधिकारी या कमिश्नर के दफ्तर में मौजूद असलाह यानी सशस्त्र लाइसेंस विभाग में जमा करना होता है। इसके बाद इस फॉर्म की एक कॉपी SSP ऑफिस को भेजी जाती है, वहाँ से SSP फॉर्म की एक कॉपी उस थाने में भेजते हैं जहाँ का आवेदक रहने वाला है।
वहाँ पर उसके स्थानीय पुलिस आवेदक का नाम, एड्रेस, बैकग्राउंड, कामकाज व आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं, इसकी पूरी जानकारी खंगाल ली जाती है। यदि आप पर कोई गंभीर आपराधिक मामला दर्ज है तो लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। जानकारी ठीक पाए जाने पर आवेदन पत्र व दस्तावेज जिला क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास भेजा जाता है। यहाँ भी आवेदक के क्रिमिनल बैकग्राउंड की जानकारी खंगाली जाती है। थाने में आई रिपोर्ट को दोबारा चेक किया जाता है। इसके बाद आवेदन रिपोर्ट के साथ एसएसपी ऑफिस भेज दिया जाता है, लेकिन प्रक्रिया यहाँ खत्म नहीं होती। एसएसपी ऑफिस भेजने के बाद यहाँ कुछ कागजी औपचारिकताएं होती है जिन्हें पूरा किया जाता है, और एसएसपी ऑफिस से आवेदन को डीएम या कमिश्नर के दफ्तर में भेज दिया जाता है। यह लाइसेंस प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है। हालांकि यह डीएम पर निर्भर करता है कि जांच के आधार पर वह लाइसेंस दे या नहीं। दोस्तों, जिला अधिकारी की सिफारिश के बाद जब लाइसेंस मिल जाता है, उसके बाद वो वही हथियार खरीद सकते हैं जिसके लिए आपने आवेदन किया था। ऐसा नहीं कि लाइसेंस मिलने के बाद आप कहीं से भी हथियार खरीद सकते हैं। हथियार खरीदने के लिए सरकार के रजिस्टर दुकानों से हथियार खरीदा जा सकता है। लाइसेंस पर चढ़े हथियार का उसका डिटेल पुलिस के पास थाने में भी भेजा जाता है। दोस्तों, लाइसेंस पहले 3 साल के लिए मिलता था। इसकी अवधि सरकार ने अब बढ़ाकर 5 साल कर दी है। यह अवधि यानी वैलिडिटी खत्म होने के बाद लाइसेंस को फिर से रिन्यू कराना होता है। इसके लिए भी लाइसेंस धारक की फिर से जांच पड़ताल के बाद लाइसेंस फीस जमा करनी होती है। दोस्तों, लाइसेंस मिलने के साथ ही यह भी तय किया जाता है कि आपको 1 साल के दौरान कितनी गोलियां दी जाएंगी। आपने गोलियां कहां खर्च की, इसका रिकॉर्ड के तौर पर खोखा रखना होता है। इसकी जानकारी भी आपको देनी पड़ती है। आपको फिर से नई गोलियां दी जाती है। यदि कोई लाइसेंस धारक दिखावे या रौब जमाने के लिए गोलियां चलाता है या फिर दहशत पैदा करने के लिए फायरिंग करता है तो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है या जेल भी जाना पड़ सकता है। अगर इन नियमों शर्तों का पालन नहीं होता तो आपके लाइसेंस रद्द करके हथियार मलखाने में जमा भी कराया जा सकता है। दोस्तों, शस्त्र लाइसेंस वैसे तो आवेदक के राज्य की सीमा के लिए ही होता है। अगर कोई आवेदक अपने लाइसेंसी हथियार को लेकर दूसरे राज्य में जाना चाहता है तो शस्त्र नियम 1962 के उपनियम 53 के अनुसार आप अपना लाइसेंस पूरा देश के लिए बनवा सकते हैं। आपका राज्य द्वारा जारी लाइसेंस को ही एक प्रक्रिया के तहत ऑल इंडिया परमिट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपसे मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।